झारखंड के जिला सिमडेगा के बानो की रेलवे पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वहीं अवैध रेलवे ई टिकट बनाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार एलपीएस सिसाई की सहायता से गुमला जिले के सिसाई प्रखंड में पोस्ट कमांडर आईपीएफ विजय पांडे की देखरेख में आईपीएफ पोस्ट बानो के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा अवैध रेलवे ई टिकट के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया गया। वहीं इस दौरान एक व्यक्ति अरमान अंसारी उम्र लगभग 22 वर्ष पुत्र माजिद अंसारी अपनी व्यक्तिगत आईडी अरमान डिपार्ट्स का उपयोग करते हुए रेलवे ई टिकट बनाने और बेचने का लगा हुआ पाया गया। हालांकि एक नोज लाइव रेलवे ई टिकट का मूल्य 402 रुपए है और तीन नोज उसके कब्जे से 5771.29 रुपए के बरामद हुए। और छापेमारी के क्रम में SIRR मीणा ने एक लैपटॉप, एक मोबाइल फोन, एक भविष्य की यात्रा रेलवे ई टिकट और तीन पुराने रेलवे ई टिकट को जब्त किया। वही रेलवे पुलिस LPS सिसाई के साथ सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन करते हुए अरमान अंसारी के विरुद्ध 33/2021 दिनांक 16/8/2021 को US 143 रेलवे अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए अग्रतर कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय 17 अगस्त 2021 को RGM कोर्ट रांची के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 16/8/2021 को गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग सिसाई गए, जहां पर इमरान के दुकान में छापा मारा गया, जो कि अवैध रूप से टिकट का कारोबार करता था। आज उसको गिरफ्तार करके आरपीएफ को दोबारा लाया गया। लाने के बाद उचित कार्रवाई के लिए रेलवे न्यायालय कल भेजा। अखंड भारत न्यूज के लिए शिवनंदन बड़ाई की रिपोर्ट, सिमडेगा का।